किसी भी देश की गवर्नमेंट कितने बेहतर तरीके से काम कर रही है तो उसका इंडिकेटर क्या है कि उस देश की ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी हुई है। यूएनओ ने ये एक इंडिकेटर ऐसा डेवलप किया है जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिस देश का ज्यादा होगा इट मीन वहां ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी है और उस देश की गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI के तीन कंपोनेंट रखे गए हैं। पहला कंपोनेंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इजीली इसको आ हेल्थ कह सकते हैं। दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है ग्रॉस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा। तो एक हेल्थ कंपोनेंट हो गया, एक एजुकेशन हो गया और तीसरा इकोनॉमिक कंपोनेंट हो गया। तो जो एजुकेशन का कंपोनेंट है इट मींस ये मेजर कंपोनेंट है, और इसको मेजर करने के लिए फर्दर GER का कंसेप्ट है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। इसको कंफ्यूज कर सकते हो आप ग्रोस एजुकेशनल रेशो, लेकिन ये ग्रोस एनरोलमेंट रेशो है। ये प्योरली क्वांटिटेटिव टर्म है, क्वालिटेटिव नहीं है। इट मीन्स कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो में उन बच्चों की क्वांटिटी मेजर होती है जो स्कूल तक पहुंच चुके हैं, पहुंच सके हैं, जो कॉलेज तक पहुंच सके हैं, जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच सके हैं। इस वीडियो में इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद इसके बेस पर जो MCQ क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्व करेंगे। तो हेल्प, ये इंडेक्स क्यों डेवलप किया गया, इससे हम एक कंट्री की परफॉर्मेंस दूसरी कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ USA है, UK है, जर्मनी है, इंडिया है, तो GNI इसका ये न्यूमेरिकल है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और GER जैसे यहां है यूनाइटेड स्टेट का 95%, इट मींस ये परसेंटेज में मेजरमेंट होगी, UK की 61 है, और तो ये कंपैरिजन है इंटरनेशनली। ऐसे ही हम इंडिया में फॉर एग्जांपल एक स्टेट का, पंजाब का, तमिलनाडु का, लद्दाख का, एक स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का दूसरी स्टेट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में कि उस स्टेट की गवर्नमेंट कितना बेहतर काम कर रही है। GER का पर्पज है कि कितने बच्चों तक एजुकेशन पहुंच रही है या कितने बच्चे स्कूल तक पहुंच रहे हैं। दो वर्ड है असेस एंड पार्टिसिपेशन। GER का सेंट्रल आइडिया है असेस एंड पार्टिसिपेशन। GER को डिफाइन कैसे किया जाता है, नंबर एक ये स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर है, स्टैटिस्टिकल वर्ड वहीं आता है जहां पर नंबर सिस्टम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल पीछे करके आए हैं 95%। ओके, दूसरा तो इसने मेजर क्या करना है, पार्टिसिपेशन और असेस कितने बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं, किसके स्पेसिफिक एज ग्रुप के इन एजुकेशन। ओके, टिपिकली एट प्राइमरी तीन लेवल हैं, ये बार बार बात होगी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। यहां बात ये समझ लेनी चाहिए कि प्राइमरी का मीनिंग हम किस एज को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि प्राइमरी को दो भागों में डिवाइड किया जाता हो जैसे इंडिया में डिवाइड किया जाता था। नंबर एक फॉर एग्जाम्पल लोअर प्राइमरी L लिख दिया यहां पर मैंने, और अपर प्राइमरी। लोअर प्राइमरी में की एज क्या रखी जाती थी, 6 से 10 ईयर, और अपर प्राइमरी की 11 से 14 साल। ये डेफिनेशन जरूरी है एज ग्रुप की अगर आपने GER मेजर करना है। जब हम सिर्फ प्राइमरी या एलिमेंट्री वर्ड यूज करते हैं और डेफिनेशन में 6 से 14 साल जैसे RTE एक्ट या सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 साल तक, यूनिवर्सलाइजेशन प्राइमरी एजुकेशन में 6 से 14 साल तक था, तो फिर जो
रेलेवेंट ग्रुप होगा, एलिजिबल ग्रुप होगा, वो 6 से 14 साल होगा, पहली डेफिनेशन। सेकेंडरी में फॉर एग्जाम्पल यहां पर 15 से 18 मैंने रखी है। ये क्यों रखी है? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अब सेकेंडरी वर्ड में 9th, 10th, 11th and 12th 4 क्लासेस शामिल कर ली हैं और 15 से 18 साल एज रखी है। तो सेकेंडरी वर्ड जब आएगा तो उसकी डेफिनेशन इस एज ग्रुप से होगी। टर्शरी जो हायर है, हायर एजुकेशन जिसे बोला जाता है, वो 19 से 23 तक डिफाइन किया जाता है। ये बात हो गई डेफिनेशन में। और इसके बाद पॉपुलेशन है। एक तो पॉपुलेशन टोटल एनरोल्ड, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी रेलेवेंट पॉपुलेशन। यहां मैंने इजीएस्ट एग्जांपल रखी है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कौन सी, क्योंकि किसी भी देश की पॉपुलेशन या रेलेवेंट पॉपुलेशन या टोटल एनरोल्ड पॉपुलेशन जो है, टोटल एनरोलमेंट जो है उस स्पेसिफिक ग्रुप की, वो बहुत लार्ज नंबर होगा। तो उसको इजी समझने के लिए मैंने ये रखा है कि पंजाब में या तमिलनाडु में या इंडिया में, मान के चल रहे हैं समझने के लिए, रेलेवेंट पॉपुलेशन मीन उस स्पेसिफिक ग्रुप की पॉपुलेशन 100 है। हम 100 की एग्जांपल लेके चलेंगे कि हमारे पास एक रीजन में, एक कंट्री में 6 से 14 साल के 100 लाख, चलो ले लो हम 100 लेंगे, 100 बच्चे हैं, 11 से 14 100 बच्चे हैं, 15 से 18 के 100 बच्चे हैं, ऐसे मान के चलेंगे। वापस चलते हैं तो ये रहा 3 लेवल का। अच्छा, ये बात भी जरूरी है, जब हम इन तीनों की जीईआर कल के एवरेज जीईआर निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं कंबाइंड जीईआर, और वो कंबाइंड जीईआर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल होती है, सिर्फ एक शामिल नहीं होती। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को समझने के लिए पॉइंट्स उनके थोड़े से मैंने बनाए हैं। एक तो एक्सप्रेस्ड कैसे होती है, ये परसेंटेज में होगी, और इसमें बात क्या होगी, असेस एंड पार्टिसिपेशन टू एजुकेशन कितनी होगी विद इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिप्रेजेंटेड टोटल एनरोलमेंट इन स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन, इतना याद रखिए, एज ए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कॉरेस्पॉन्डेंस टू ऑफिशियल एज, एलिजिबल एज, रेलिवेंट पॉपुलेशन, ये वर्ड यहाँ यूज किए जा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पीछे जो एग्जाम्पल दे के आए हैं, ये कंबाइंड के पीछे मैं बता के आया हूँ कि जब तीनों लेवल की एजुकेशन के इंडेक्स को कंबाइन यूज किया जाए तो वो कंबाइंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहलाती है। एक कंसेप्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का है, दूसरा नेट एनरोलमेंट रेशियो का है। अब हम कैलकुलेशन कैसे करनी है ये समझेंगे, लेकिन साथ में कंपैरिजन करेंगे कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और नेट एनरोलमेंट रेशियो में डिफरेंस क्या है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, ये इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेंगे कि टोटल उस रेलेवेंट पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट्री है तो यहां पर हम 6 से 14 साल की डेफिनेशन लेके चल रहे हैं, बेशक इस फॉर्मूले में इतनी लिखी हुई है। तो हमारे पास ये पॉपुलेशन एज्ड है ना लिखा, जहां रेलेवेंट पॉपुलेशन यहां फॉर्मूले में, क्योंकि ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एलिजिबल और रेलेवेंट पॉपुलेशन वो कौन सी है, 6 से 14 साल वाली। ओके, तो हाँ, कितनी है वो, कितने पीपल हैं टोटल, वो हमने पीछे जो बात करके आए हैं, कलर चेंज कर लेंगे ये नीले वाला, कि वो 100 लाख हो सकते हैं, लेकिन यहां 100 लिखे हैं, टोटल वो पॉपुलेशन 100 जने हैं। तो एनरोल कितने हुए हैं बच्चे, मान लीजिए इंडिया में 100 बच्चे हैं और 6 से 14 साल के, एनरोल उनमें से कितने हुए हैं, हमने मान के चले के 90 हुए हैं। तो यहां पर इसको डिवाइड करके, गुना करके 100 से हमारे पास आ गया 90%। तो ये 90% जीईआर हुई इसकी एलिमेंट्री की। इस नेट एनरोलमेंट रेशियो में डिफरेंस समझने के लिए यह समझ लेना चाहिए कि यहां पर ऑल एजेस के शामिल किए गए हैं बच्चे, 90 बच्चे सभी एज के हैं, ये सिर्फ 6 से 14 के नहीं है, 6 से 14 की पॉपुलेशन 100 है हमारे पास,
लेकिन 6 से जैसे 15 साल के, मान लीजिए इस 90 में, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर हमने फिल कैलकुलेट किया और इसको रब कर देते हैं, ये मान लीजिए नेक्स्ट ईयर जो एनरोलमेंट कितनी हुई, इसको भी हटा देते हैं ये करके, ऐसे करके एनरोलमेंट होगी 101 जने की। ये कैसे हो सकता है, यही समझने वाली बात है। 100 की पॉपुलेशन 6 से 14 साल की है, 100 जने ये हैं, लेकिन 15 साल वाले, 16 साल वाले, 17 साल वाले, इधर 5 साल वाले, ये यहां ये 100 से अधिक होंगे नेचुरली, है ना। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे 14 से 15 साल के हो गए थे, लेकिन वो अभी 7वीं या 8वीं कक्षा में हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए, वो भी अभी स्कूल में है। 16 साल वाले कुछ बच्चे वो भी स्कूल में है, 17 साल वाले को बच्चे स्कूल में है। इट मींस ये ओवर एज वाले, उस एलिजिबल ग्रुप से ओवर एज वाले बच्चे हैं। ये अगर 5 साल वाले किसी ने पहले बच्चा डाल दिया तो ये अंडर एज वाले आ गए। और तीसरा जो फेल होते रहे, रिपीट कर रहे हैं, 3 साल से कोई बच्चा, 2 साल से बच्चा फेल हो रहा है, तो उसकी एज ज्यादा होगी, लेकिन वो वहीं पर है। तीसरा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हैं ये बाहर गए, पहले स्कूल में गए ही नहीं थे, कभी भी नहीं गए, और 10 साल बाद जब 10 या 12 या 15 16 साल के हो गए तो तब ये पकड़ में आए, तो इनको स्कूल में लाया गया। तो ये इसमें शामिल, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में वो बच्चे शामिल होते हैं। तो इट मींस अगर ऐसा होता है, ये बच्चे मान लीजिए 11 ये बच्चे शामिल हो गए, तो ये 101 हो गए, तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100 से गुना करके आ गई 101%। ऐसे हो सकता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इट मींस 100 से ज्यादा आ सकती है। तो उसका ये मतलब हुआ कि इस साल में इस रीजन में कुछ बच्चे ओवर एज्ड हैं और अंडर एज्ड हैं, रिपीट हो रहे हैं, ये बात इससे स्पष्ट होती है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से, पर्टिकुलर उस एज ग्रुप में। ये हमने एलिमेंट्री का किया था 6 से 14 साल, ऐसे ही सेकेंडरी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, टर्शरी की कर सकते हैं, जैसे एज ग्रुप डिवाइन किए थे। लेकिन फर्क क्या है GER और NER में, फर्क ये है कि यहां पर जो ऑल एजेस लिखा हुआ है वहां पर ये NER में ये नेट एनरोलमेंट रेशियो है, तो यहां पर ऑल एजेस नहीं, वही एज जो यहां पर डिफाइन की थी। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने 6 से 14 साल के बच्चे की पॉपुलेशन ली थी जो 100 हैं, हाँ ओके, तो ऊपर टोटल एनरोल्ड जो इस एज के बच्चे एनरोल हुए हैं 6 से 14 वाले, वो ऐड जब करते हैं सिर्फ, है ना, ओनली एलिजिबल बच्चे जब ऐड करते हैं, मान लीजिए उनमें से वो बच्चे 89 थे, ओके, तो ये 100 से गुना करके आ गया 89। इट मींस नेट एनरोलमेंट रेशियो 89 है उसी रीजन की या उसी देश की, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आ रही है 101। ये कंपैरिजन क्या बताता है, 12% बच्चे जो हैं वो ओवर एज्ड हैं या अंडर एज्ड हैं, फेलियर रेट हैं या रिपीट कर रहे हैं क्लास को। तो ये इसका फायदा GER और NER का है। सिंपल फार्मूला, GER का टोटल एनरोलमेंट रेलेवेंट पॉपुलेशन इनटू 100, तो ये फार्मूला भी पूछा जा सकता है MCQ क्वेश्चन में। GER और NER में डिफरेंस पढ़ सकते हो, यहां पर उसकी एग्जाम्पल देख सकते हो हिंदी में। तो अब इंपॉर्टेंस क्या है, किसी भी देश या रीजन की, नेशन की प्रोग्रेस का पता चलता है GER से, इन एजुकेशन असेस टू एजुकेशन, ये क्वांटिटी है जो बताती है कि इस स्टेट ने या इस कंट्री ने कितनी एजुकेशन एनरोलमेंट में प्रोग्रेस कर ली है किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर, जिससे पता उसकी इवैल्यूएशन होती है उनकी इफेक्टिवनेस की और गवर्नमेंट की पॉलिसी की इफेक्टिवनेस का पता चलता है। दूसरा पॉइंट है GER एट डिफरेंट लेवल, बात कर रहे हैं प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल, इसको हायर एजुकेशन भी बोला जाता है, एज ग्रुप पीछे डिस्कस करके आए हैं।
नेक्स्ट है जेंडर स्पेसिफिक जीईआर, इट मींस मेल की जीईआर भी निकाली जा सकती है, फीमेल की निकाली जा सकती है. फॉर एग्जांपल मेल की जीईआर मान लीजिए एक रीजन में तमिलनाडु मान लीजिए 90% है और फीमेल की 80% है, तो ये जो गैप है डिस्पैरिटी है ये स्पष्ट होती है, जिसको जेंडर गैप या जेंडर डिस्पैरिटी बोलते हैं. जीईआर इसमें कंपैरिजन में हेल्प करता है. यहां पर नेचुरली जहां पर जिसकी जीईआर कम है फीमेल की कम है ना. फॉर एग्जांपल ऐसे रूरल और अर्बन में भी हो सकती है. मान लीजिए रूरल में जीईआर कम है, मान लीजिए सोशल इकोनॉमिक स्टेटस या कास्ट वाइज रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी में डिफरेंस पाए जाते हैं जीईआर में, तो जहां पर लोअर पाया जाता है गवर्नमेंट उसके लिए पॉलिसी बनाती है. पॉलिसी किस लिए बनाती है? कि उसकी जीईआर को बढ़ाया जा सके. फॉर एग्जाम्पल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, फॉर एग्जाम्पल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो थे वो किस लिए बनाए गए थे? क्योंकि वो नेशनल लेवल की एवरेज लिटरेसी की जहाँ जीईआर की जहाँ जहाँ बहुत कम थी गर्ल्स की, वहाँ वहाँ वो रेजिडेंशियल स्कूल बना दिए गए और फ्री सब कुछ प्रोवाइड किया गया और स्पेशल टीचर जो थे वहाँ अपॉइंट किए गए. वो किस लिए? इंटरवेंशन प्रोग्राम के उनकी जो जीईआर है जहाँ एजुकेशन है असेस है पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना है. नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन. बात पहले कर चुके हैं जैसे एक देश का इंडिया का अमेरिका के साथ कंपैरिजन करना है, तमिलनाडु का पंजाब के साथ कंपैरिजन करना है जीईआर का. फॉर एग्जांपल ये 2021 का इंडिया और तमिलनाडु का कंपैरिजन है जिससे ये पता चलता है कि इंडिया की जीईआर कम है, तमिलनाडु टॉप पर जा रहा है ना. हर साल ये थोड़ा चेंज आता है, कई बार केरला कई बार तमिलनाडु है ना लोएस्ट में भी, जैसे लक्षद्वीप था पहले अब लद्दाख सबसे पीछे है, तो ऐसे कंपैरिजन हो सकते. तो इस कंपैरिजन को जब वोट्स लेनी होती हैं वो नेता जो है यूज करते हैं. और ये अच्छी बात है कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 इंडिकेटर को बेस बनाया जाता है तो वो अच्छी गवर्नमेंट बेस बना रही है. जीईआर एंड एजुकेशनल इक्विटी. इक्विटी मीन जो पीछे रह गया था, अभी जो एग्जाम्पल दी अगर फीमेल या एससी कैटेगरी पीछे रह गई है जीईआर में, तो उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम बनाया जाता है, स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है कि उनको ऊपर उठाना है. तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इसको बोलते हैं. जीईआर में चैलेंज और लिमिटेशन भी इसकी है. सबसे पहले है कि ये हमें क्वांटिटी देती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में कोई इंडिकेटर नहीं है. दूसरा लर्निंग आउटकम के बारे में ये कोई इंडिकेटर नहीं है. तीसरा एज ग्रुप को डिफाइन करने की प्रॉब्लम आती है कि कौन से साल के बच्चे किस लेवल पर शामिल करने हैं. चौथा कि ये 100 से एक्सीड कर जाती है, जैसे ओवर एज्ड और अंडर एज्ड बच्चे शामिल हो जाते हैं जो ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक कई प्रॉब्लम है जो वो टाइम पर नहीं एनरोल हो पाते है ना. तो ये इसकी लिमिटेशन भी है. हिंदी में ये रीड कर सकते हो. ऐसे ही बाय जीईआर बाय एज भी हो सकता है, बाय जेंडर हो सकता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है. ये पॉइंट वो है जो पीछे करके आए हैं, इस एज का उस एज का ये बात हो चुकी है. जीईआर एंड नेशनल डेवलपमेंट, जितनी जीईआर ज़्यादा है एजुकेशन का इंडेक्स ज़्यादा है नेचुरली उसकी नेशनल डेवलपमेंट ज़्यादा है, बात हो चुकी है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और उसका 4 नंबर जो है वो एजुकेशन के साथ रिलेटेड है. तो अगर हम जीईआर किसी देश या स्टेट की बढ़ती है, इट मीन वो स्टेट या वो देश जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर रहा है, इट मीन इसका रिलेशन उससे सीधा है. एजुकेशनल एक्सपेंशन इसका पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने खुद अपनी बुक में एक डायग्राम बनाया था, वो आपके सामने रखता हूँ. ये डाटा मैंने कुछ खुद कलेक्ट किया था, इन्होंने बुक ये पब्लिश अभी नहीं की, अभी होगी ये बुक पब्लिश. और ये रिसर्च बेस्ड है सारा, ये कोविड में मैंने बुक लिखी थी. तो ये देखिए कि 51 में हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कितनी थी, ये मेल और फीमेल की है. ब्लू वाले मेल हैं और ये फीमेल हैं. आपने अगर मेल ही देखना है तो ये
इससे साफ पता चलता है कि इंडिया ने एजुकेशन की एक्सपेंशन फैलाव कितना हुआ है। जैसे जैसे लाइन ऊपर जा रही है लेकिन यहां पर नीचे आ रही है, यहां जब नीचे आ रही है तो पता चलता है ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया। यहां पर ड्रॉप आउट रेट ये देखिए, हमने प्रोग्रेस करके यहां पर 2010-11 में के बाद 2010-11-12 में, 12 में हम फिर डाउन आए हैं। डाउन आने के बाद हम लगभग वहीं रहे हैं, और ये जो डिफरेंस है ये बता रहा है जेंडर डिस्पैरिटी, ये है कि जेंडर गैप जो रिगार्डिंग एजुकेशन है वो यहाँ ज़्यादा है लेकिन अब कम हुआ है। एक वक्त पूरा कम हो गया था लेकिन अब उल्टा हो गया है, गर्ल्स की एनरोलमेंट ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर 2016 तक का डाटा था मेरे पास, है ना, वो एक डिफरेंट वीडियो होगा जिसमें इस डाटे के बेस पर कि कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा GER है, कौन सी स्टेट में कम है, किस देश में ज़्यादा है, किस देश में कम है, और जेंडर डिफरेंस उनके क्या हैं, वो डिफरेंट वीडियो होगा, अदरवाइज ये लंबा हो जाएगा। वापस चलते हैं, ऐसे GER ड्रॉपआउट्स भी बताती है, अभी ग्राफ से बता के आया हूँ। और GER एंड मार्जिनलाइज ग्रुप, वही बात जो इक्विटी वाली थी, मार्जिनलाइज जिनको इनजस्टिस, जिनको एजुकेशन नहीं मिली, हक नहीं मिले। अब डिजिटल डिवाइड की भी बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी डेवलप होगी लेकिन अर्बन लोगों के लिए होगी, जनरल कैटेगरी के लिए होगी, जो रिच लोगों के लिए होगी, जो गरीब थे, जो रिमोट एरिया में थे, उन तक टेक्नोलॉजी भी नहीं पहुँच पाई। तो ब्रिजिंग गैप, दैट इज़ वाई स्वयं प्रभा ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो कम इंटरनेट जहाँ है वहाँ भी वो जो एजुकेशनल प्रोग्राम पहुंच सके। तो ये इक्विटी का है, इंटरनेशनल बैचमार्क, ये रिपीटेड पॉइंट है। तो ओवरऑल GER एक कंसेप्ट है जो बड़े एजुकेशन के कंपटीशन में यूज होता है। जब तक आप ये नहीं समझ पाते तो इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट लिंक नीचे दिया गया है, ये वीडियो अगर लंबा हो गया है तो इसके बाद इमीडिएट बाद आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कम से कम 20-25 MCQ क्वेश्चन हैं एग्जैक्ट इसी मैटर में से बनाए हैं, लेकिन उस सॉल्व करने में आपको चैलेंज दिखाई देंगे। एक वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में GER की क्या क्या बातें की गई हैं और उनमें से कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं इस पर होगा, और एक डाटा पर होगा, इंडिया का, इंटरनेशनल और नेशनल। थैंक यू डॉक्टर तीर सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।